आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल, और ये हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला का। तो हम एक्सेल में सबसे पहले, क्योंकि एक्सेल को भगवान जी मैंने आपको सर डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में कि एक्सेल आखिर यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या बेनिफिट है। अब ये चीज़ और डिटेल में समझाने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है कि एक्सेल को हम कहाँ यूज करेंगे, एक्सेल से किस तरह क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट देगा। आई थिंक सुहाग जी और आप भगवान जी आप दोनों इस चीज को जानते हैं, राइट? तो चलिए हम सीधे हम आते हैं इस पे, अपने एक्सेल की आर्किटेक्चर सिस्टम पे, कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। और मेरे हिसाब से ये भी पता होगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। आई थिंक ये भी आप लोगों को आता ही है, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम सीधे बात करते हैं हेल्प सिस्टम के ऊपर। अब मान लीजिए कि आपको आपने आपको मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाया, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको अभी तो याद है लेकिन 6 महीने बाद आप भूल गए हो। लेकिन थोड़ी सी अगर हेल्प मिल जाए तो आप भूले चीज़ को रिमाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हेल्प कहाँ से मिलेगी, एक बात यहाँ पे एक बात आती है। तो जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं सर, एक शॉर्ट नोटिस आ जाता है, और इसी में आपको अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो नीचे देखिए टेल मी मोर है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक्सेल का हेल्प खुल के आएगा और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, आप बोलेंगे सर हम एक्सेल हेल्प ही को देख रहे हैं, जनरली तो गूगल पे देखते हैं ना क्या सर। लेकिन जहां तक मेरा रिसर्च है कि गूगल पे दी गई हर एक बात सही नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ रीड नहीं होता है। गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो तो जो रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट की सत्यता का दावा आप नहीं कर सकते ये सही है। क्यों? क्योंकि वो हम जैसे आप जैसे लोगों ने अपने आर्टिकल, अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग में लिखा हुआ रहता है। लेकिन एक्सेल हेल्प में जो चीजें दे रही है ये इसका यूजर मैनुअल है, इसका कह सकते हैं कि यूजर मैनुअल है। जैसे आपकी गाड़ी की यूजर मैनुअल मिलता है ना, उसी तरह से एक यूजर मैनुअल है। इसमें वो सब चीजें हैं जो चाहिए हमें, राइट सर। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए अभी जैसे शॉर्टकट की बात हो रही थी, अगर शॉर्ट नहीं लिमिटेशन की बात हो रही थी तो ये लिमिटेशन को भी एक्सेल पे ढूंढ सकते हो। मतलब कि जब भी कोई आप चीज़ सीखते हो तो मेरा जैसे मानना है कि पहले उसकी लिमिटेशन को जानना चाहिए कि आखिर उसकी लिमिट क्या है। तो एक्सेल हेल्प में जाइए, वहाँ पर आप लिमिट सर्च कीजिए। लिमिट सर्च करते ही आपको देखिए आ गया एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके एक्सेल की पूरी लिमिट्स आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओपन वर्कबुक। अब एक चीज और देख लीजिए, कंप्यूटर में कुछ कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होता है सर। यहाँ पे दिया हुआ ना कि ओपन वर्कबुक द लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन जब भी एक्सेल या कंप्यूटर कुछ इवेंट करता है तो आपकी मेमोरी एक स्पेस को एक्वायर करता है। और अभी तक आपके कोई भी कंप्यूटर नहीं बना है जिसमें अनलिमिटेड हार्ड डिस्क हो, अनलिमिटेड रैम हो, क्या अनलिमिटेड प्रोसेसर हो। हर चीज की एक लिमिटेशन है ना, इसलिए कभी ना कभी तो भरेगा ही ना। भले ही ये हम बात कर रहे हो कि एक फुटबॉल मैदान में, फुटबॉल नहीं एक क्रिकेट टीम मैदान में, आप क्रिकेट के फील्ड में एक सुई रखने की बात हो, लेकिन कभी ना कभी तो सुई से भरेगा ही हो। तो एक बार आप इसकी लिमिटेशंस को पढ़ लीजिएगा। अब लिमिटेशन को पढ़ना जरूरी क्यों है, देखिए इसमें जरूरी नहीं कि इसको संस्कृत के श्लोक की तरह रट्टा मार लीजिए, लेकिन आप थोड़ी सी मेमोराइज जरूर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कॉलम बेड, अब कॉलम की विड्थ की जो है यहाँ पे 25 करेक्टर है। अब मुझे जानने के से क्या फायदा है कि भाई कॉलम सी कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, माउस से खींचेंगे जितना बड़ा होना होगा बड़ा हो जाएगा।
आप एक्सेल पे क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेल से तो कर सकते हैं ना आप, लेकिन अगर इसी चीज को वीवीए के थ्रू करना हो, तो मान लीजिए आपको बहुत बड़ा कॉलम चाहिए, तो आपको ये ना पता हो कि इसकी हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ चाहिए आपको, इसमें बहुत वैल्यू का आपको टाइप करना है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि कॉलम सी बाई सी डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू 500, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं थी कि इसका जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशंस मात्र 255 करेक्टर है, आपने 500 डाल दिया, अब वो एरर आएगा। अब आपको ये पता होगा तभी, सॉरी सर, पता होगा तभी ना आप उस एरर को सॉर्ट आउट कर पाइएगा, जब नहीं पता होगा तो कंफ्यूज होइएगा ना। उसी तरह से अब एक चीज और भी आती है कि आपने बोल दिया कि भाई मुझे बहुत बहुत मैक्सिमम रो लिखना है, तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि एक सेल में कितने कैरेक्टर या कितने कैरेक्टर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 32,767 कैरेक्टर या उस कैरेक्टर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे कि नेस्टेड इफ हुआ, सब बोलते हैं कितने नेस्टेड इफ लगा सकते हैं, तो लिमिटेशन क्या है कि जब तक इफ एक सेल की दी गई फॉर्मूला का कंटेंट 32,767 से ज्यादा नहीं हो जाता है। अब उसमें आप आपके एक इफ हो या 1,000 इफ हो, वो डिपेंड करता है करेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो लिमिटेशन को पढ़ लीजिए, कैसे लाइए लिमिटेशंस, आप ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है आपको, इसमें आप क्लिक करके लिमिट सर्च कीजिएगा, और यहाँ पे लिमिट 10 रिजल्ट्स दिख गया आपको, और ये लिमिट स्पेसिफिकेशन लिमिट पे क्लिक कीजिए आ जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की। देखिए पहली क्लास में आपको मैं शॉर्टकट्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे, मैं जो है शॉर्टकट यूज नहीं करता हूँ ट्रेनिंग, जब से ट्रेनिंग स्टार्ट की है तब से, तो जाहिर सी बात है जब मैं यूज नहीं करूंगा तो बहुत सारे शॉर्टकट्स को भूल जाऊंगा, पहले तो कमांड बहुत। तो लेकिन आपको हम बोल देते हैं कि आप एक्सेल हेल्प में शॉर्टकट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट निकालने का दो तरीका, एक तो उस पर आप कर्सर रखेंगे, तो कर्सर रखते ही आपको उसका शॉर्टकट दिख जाएगा, लेकिन आपको लिस्ट चाहिए ताकि उसको आप याद कर सके या फिर कहीं पे उसको लगा सके। तो उस केस में यहां आप सर्च कीजिएगा शॉर्टकट और एंटर मार दीजिए, क्या आ गया, कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, क्लिक कीजिए और यहां पे हमारा पूरे शॉर्टकट का लिस्ट दिख गया, ठीक है। अब इसको याद करने से, रट्टा मारने से आपको नहीं आएगा, आप सोचिए कि संस्कृत के श्लोक की तरह इसको रट जाए तो नहीं होगा, कैसे याद करें, यूज कीजिए सर। जैसे आपको एंटर मारने के लिए या कंट्रोल सी करने के लिए कीबोर्ड पर देखना पड़ता और सोचना भी नहीं पड़ता है, आपका उंगली ऑटोमेटिक चला जाता है एंटर पे, क्योंकि उसको आप बहुत टाइम यूज किए, तो बाकी को भी यूज कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, तो हम अपने स्टूडेंट को सलाह देते हैं कि आप जो है जब ऑफिस में ऐसे कुछ टाइम जिस टाइम में आपके पास काम कम होता है उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं, उस समय आप एक्सेल का यूज, माउस का यूज मत कीजिए, पूरा काम शॉर्टकट से कीजिए, कीबोर्ड से कीजिए। और मैंने आपको खाली टाइम में क्यों बोला, क्योंकि उस समय आपको स्पीड जो है स्लो चलेगा, तो काम अगर जल्दी का होगा और जरूरी काम होगा तो उसमें लेट हो सकता है, तो 1-2 घंटे अगर निकालते हैं तो धीरे धीरे आपका 2-3 घंटे पूरा दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अब जब इतना टाइम लगेगा तो फिर हम शॉर्टकट यूज ही क्यों करेंगे, देखिए शॉर्टकट यूज करने का पर्पस ये है कि ऐसा रिसर्च में पाया गया है, और हमने भी, मैं भी इस चीज को एग्री करता हूं कि आपके माउस की माउस से कीबोर्ड का स्पीड 30% बढ़ जाता है सर, 30% बढ़ जाता है, इसलिए पता होना चाहिए इस बारे में। अब आगे बढ़ते हैं इसमें,
तो शॉर्टकट आप पढ़ लीजिए। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको बोल तो दिया कि सारा काम शॉर्टकट से करना है, कीबोर्ड से करना है, लेकिन हर फीचर्स के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट तो है नहीं। जैसे मुझे बोर्डर में ऑल बोर्डर अप्लाई करना है, अब इसके लिए शॉर्टकट तो कोई नहीं है डायरेक्ट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आपका मेनू बार का हर एक की एक्टिवेट हो जाएगा। जो कनेक्टर दिख रहा है वो इसका शॉर्टकट है। जैसे होम है तो होम के लिए एच है, मतलब कि अगर मैं एच दबाऊंगा तो होम मेनू बार के जितने भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, कमांड है, सबके लिए शॉर्टकट आ जाएगा। मुझे इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है तो बी, और बी में क्या करना, ऑल बॉर्डर ए, तो ऑल्ट एच से होम, बी से बॉर्डर, ए से ऑल बॉर्डर। तो नेक्स्ट टाइम मुझे ऑल्ट बी ऑल्ट एच बी ए हो गया। तो इस तरह से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब इसका यूज करो, इस तरह से राइट क्लिक करना हो तो आपके कीबोर्ड में राइट क्लिक करने का ऑप्शन होता है ऐसे। ठीक है, अब राइट क्लिक करने के बाद अब देखिए जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं हर किसी के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, लगाया ना सर? ये जो अंडरलाइन लगा है ये आपके शॉर्टकट है, जो अंडरलाइन लगा हुआ है ये आपके शॉर्टकट है। तो फॉर्मेट के एफ पे क्लिक कीजिए, ये आपका आ गया। और टैब से हाँ, टैब से इसके अंदर जा सकते हैं, कंट्रोल टैब से अगले टैब में जा, जैसे अलाइनमेंट में आ गया, अब मुझे फॉन्ट पे जाना है तो फॉन्ट पे जा सकता हूँ, मुझे अंदर आना है तो नॉर्मल टैब, और फिर कंट्रोल टैब करेंगे तो बॉर्डर। अब मैं बॉर्डर में आ गया, लेकिन वापस मुझे फॉन्ट पे जाना है, तो रिवर्स आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लगा दीजिएगा, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है कहीं भी। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे आता है ना सर, शिफ्ट के साथ करेंगे तो ऊपर जाएगा, टाइप करते हैं तो ये इस तरह से जाता है, सिर्फ टाइप करेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है सर? अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे जानना है कि भाई एक्सेल में किस कैसे कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, उसका कुछ सैंपल मिल जाए। तो यहाँ फाइल पे आइए और आइए न्यू पे। जैसे आप न्यू पे जाएंगे तो इतने बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स दिखेंगे, दिख रहा है ना सर? इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए सर, और आप इसको यहाँ शॉर्ट भी कर सकते हो। अब ये टेम्पलेट होता क्या है, जो टेम्पलेट होता है बड़े बनाए फॉर्मेट होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि इनवाइस निकालना है, ब्लू इनवाइस, तो मैं इस इनवाइस पे क्लिक करता हूँ और इसको क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए पूरा इनवॉइस का फॉर्मेट है, ठीक है, बस मुझे अपना कंपनी का नाम वगैरह और स्लोगन वगैरह चेंज करना है, एंड हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो इस तरह का चीजें हम कर सकते हैं। तो ये बने बनाए आपके टेम्पलेट हैं। तो मैं आज आपको करना चाहूंगा कि आप लोग क्या करें कि इसमें से बहुत सारे टेम्पलेट्स को डाउनलोड करें, इससे बहुत अच्छे से टेम्पलेट भी है, डाउनलोड करें। जैसे ये आपका वीकली अटेंडेंस रोस्टर है, ये आपका ग्रांड चार्ट है, ये आपका फैमिली ट्री है, ये आपका मंथली कैलेंडर है, ये सिंपल इनवाइस है, सर्विस इनवाइस है, बैलेंस शीट है, ठीक है ना, सीजनल फोटो कैलेंडर है, ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, एंजल ग्रांड चार्ट है, तो ये आपको प्रोजेक्ट टाइमलाइनर है, दिख रहा है आपको सर? तो इसको एक बार आप लोग डाउनलोड करके एनालाइज कीजिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपको अपने रिपोर्ट में आइडिया मिलेगा जब आप रिपोर्ट बनाएंगे, और आपको एक हो जाएगा कि हाँ एक्सेल से हम इस ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं, ताकि तो सीखने का एक एम सेट हो जाएगा।